हेलो नमस्कार दोस्तों, एडवाइस एक्सप्रेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, एक्सिस बैंक की तरफ से एक और अपडेट है जिसे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल हो रहा था कि एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस कितना रखना है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि 15,000 रखना है या फिर 10,000 रखना है। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से जो अपडेट है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम चल सके। यदि आपने एक्सिस बैंक में ASAP अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हम एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा एक्सिस ACP इंस्टेंट सेविंग अकाउंट। तो आप लोग यहां से ही इसको ओपन कर सकते हैं। आप यहां पर देखिए एक्सप्लोर मोड है, यहां पर एक्सप्लोर मोड आपको लिखा हुआ रहा है, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहां पर ये खुल के आ जाएगा। यहां पर अब यहां पर आपको बताया गया कि एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके रखा है कि कितना एवरेज मंथली बैलेंस एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट में कितना मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है, साथ ही बहुत सारे लोग भी वीडियो इस पर बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे फी एंड चार्जेज लिखा है, यहाँ पर फी एंड चार्जेज लिखा है, आपको इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फी एंड चार्जेज इसका ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट टाइप लिखा हुआ है ASAP, यहाँ पर अकाउंट टाइप है और यहाँ पर ASAP अकाउंट और ASAP सेविंग अकाउंट दोनों है। ये ASAP सेविंग अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइप जो है दोनों आपको लिमिटेड KYC और फुल KYC दोनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मेट्रो शहर के लिए जो दिखाया गया है, यहाँ पर मेट्रो शहर में यदि आप आते हैं तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस दोनों अकाउंट में यानी कि फुल KYC ASAP फुल KYC अकाउंट और लिमिटेड KYC अकाउंट दोनों में आपको यहाँ पर 10,000 रुपये मेंटेन करना होगा, 10,000 रुपये मंथली रखना होगा फुल KYC में भी और आपको लिमिटेड KYC में भी। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए अर्बन के लिए जो है यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड अर्बन यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर है आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 और यहाँ पर लिमिटेड KYC में भी आपको 10,000 रुपये रखना है मंथली बैलेंस। अब यहाँ पर आप लोगों को यही अपडेट है, आपको एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड सेमी अर्बन, यदि आप सेमी अर्बन में आते हैं तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपको दोनों अकाउंट में रखना है, यानी कि आपका यदि ASAP फुल KYC अकाउंट है तो 5,000 उसमें भी रखना है मेंटेन करना है, और लिमिटेड KYC है तो उसमें भी आपको 5,000 रुपये यानी कि दोनों अकाउंट का हम बात कर लें तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपको यहाँ पर रखना ज़रूरी है सेमी अर्बन के लिए। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है सेमी अर्बन के लिए, यही सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यदि आप यहाँ पर रूरल में आते हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर मंथली बैलेंस एवरेज 2500 रखना होगा, 2500 रुपये आपको यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस लेके चलना होगा, मंथली बैलेंस आपको 2500 रुपये यहाँ पर आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि यहाँ पर कितना रुपये आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर 2500 रुपये आपको रखना है एवरेज मंथली बैलेंस। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है और भी चीज़ों के बारे में, यहाँ पर सर्विस चार्जेज भी दिया गया है, बेसिक सर्विस चार्जेज जो है
यहाँ पे वीज़ा ऑनलाइन, यहाँ पे वीज़ा ऑनलाइन वर्चुअल कार्ड, वीज़ा ऑनलाइन रिवार्डेड कार्ड के लिए यहाँ पर टैक्स जितना रुपये आपको पे करना है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको 500 रुपये प्लस टैक्स दिया गया है वर्चुअल कार्ड प्लस, वर्चुअल कार्ड और फिजिकल दोनों के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये प्लस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे यदि अकाउंट क्लोजर करते हैं आप, यानी अकाउंट बंद करते हैं, तो आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको देना होगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए IMPS फ़ी जो बताया गया है, यहाँ पर देखिए ₹1 से लेकर के 1000 तक नील चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 1000 से अधिक के लिए 5 रुपये आपको पर ट्रांजैक्शन आपको देना होगा यहाँ पर। तो आप लोग यदि IMPS करते हैं तो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर यदि आप ₹1 से लेकर के 1000 तक करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन आप 1000 से ज़्यादा यदि इसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को भेजते हैं पैसा मोबाइल के थ्रू या किसी भी थ्रू से, आप यहाँ पर आपको 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे करना होगा प्लस टैक्स। इसके बाद यदि आप यहां पर 1 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन करते तो आपको 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस टैक्स देना होगा। ये आपको यहां पर यही अपडेट है। लेकिन आप यहां पर ऊपर में देखेंगे तो यहां पर दिया गया है कि इनिशियल फंडिंग कितना यहां पर ज़रूरी है। तो यहां पर देखिए मिनिमम मंथली बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है 10,000 और यहाँ पर इनिशियल फंडिंग आपको 15,000 रुपये आपको पे करना होगा। दोस्तों अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप किस एरिया में आते हैं, यानी कि आप अर्बन में आते हैं, सेमी अर्बन में आते हैं या फिर मेट्रो सिटी में आते हैं? तो आप पता कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आप किस एरिया में आते हैं। यहाँ पर सिंपल पता करने का यही तरीका है। आपको यदि पता नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात करके पता कर सकते हैं कि आप किस एरिया में आते हैं। तो दोस्तों यही था अपडेट एक्सिस बैंक की तरफ से जो मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।